और बौद्धान मेले का सुंदर संगम जो है श्री रेणुका जी की इस पुण्य धरती पे हो रहा है, मैं आप सबको इस मौके पे बधाई देना चाहता हूं। और बहुत ही शानदार नाटी जो है यहां पे आपने प्रस्तुत की, और पूरे मेले को आपने जो है रंग भर दिए। हम विभाग के हमारे अधिकारी, हमारे चीफ इंजीनियर साहब, एससी साहब, एक्सएम साहब, मैं उन सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि पर्यावरण के दिवस के इस मौके पे आपने महिलाओं को समर्पित किया और यहां पे कार्यक्रम किया। आप आजकल देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों में पानी बह रहा है और पानी भर के ले जा रहे हैं बड़े बड़े धन्ना सेठ रईस लोग जो है बोतलें भर रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक रोजाना हिमाचल प्रदेश में 1.5 करोड़ पानी की बोतलें भरी जा रही हैं। पानी हमारा, और ये लोग जो मल्टीनेशनल के लोग हैं ये बोतलें भर भर के बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको घर में पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है। हमने फैसला किया है कि जब तक आपके नलके में हम बिस्लरी नहीं पहुंचा देते, वो पानी आपके घर के नलके में निकलेगा जो वो बोतलें भर रहे हैं, तब तक हम जो है खामोश नहीं रहेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। हमने पानी का जो है हॉरोस्कोप जो होता है, जिसको कहते हैं कुंडली, कुंडली जानते हैं आप, आपके घरों में भी होगी, बच्चा पैदा होता है, कोई पैदा होता है उसके घर में कुंडली होती है। हमने पानी विभाग की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुंडली तैयार करवा दी है कि इस अगर श्री रेणुका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहां कितना पानी है, कितना पानी कितने साल तक चल सकता है, क्या क्या योजनाएं हैं, पानी को बचाने के लिए क्या प्रयास है, पानी को पहुंचाने के लिए क्या प्रयास है, वो सब हमने अब कलम बंद कर दिया। और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हम पूरे हिमाचल के थासर के साथ, थासर हलकों का जो ये कुंडली है, ये सब आप सबके हाथ में होगी। आपको पता लग जाएगा देखते ही कि हमारे यहां पानी का कितना स्टेटस है, कितने साल चलेगा, और द्वारा जमीन में पानी डालने के लिए किया क्या जाना है। एक तो आप पानी निकाल रहे हैं, एक जमीन में पानी डालना भी है, तो इसलिए वो काम हमने विभाग को दिया है और सारा विभाग ये कार्य कर रहा है। और यहां तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डॉक्टर वाईएस परमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने हिमाचल बनाया, जिस नेता ने हिमाचल बनाया, हमें उन्हें जो है बार बार याद करना है। आप उस पुण्य धरती पर रहते हैं, डॉक्टर परमार के संघर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश बना, और उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनय जी के पिताजी 6 दफा जो है एमएलए रहे यहां से, और 6 दफा डॉक्टर प्रेम सिंह जो है यहां उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया। अब 3 दफा, इसका मतलब 9 दफा आप इनको जिता चुके हैं। आपका इस परिवार में इतना अटूट विश्वास है कि आपने इनको 9 दफा, इस दफा भी बहुत लोग कहते थे विनय को तो विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई,
जब आप लोगों का साथ है, जब आप लोगों का साथ है। बार बार लोग कह रहे थे कि यहां पे आंदोलन हो गए, यहां फिरने का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ईश्वर ने इनको जो है फिर से विधानसभा पहुंचाया और ये आपके लिए समर्पित है, आपके लिए समर्पित है। पहले भी इन्होंने यहां, और इनकी जीत में महिलाओं का बहुत भारी योगदान है। चुनाव से पहले जब मैं आया तो इन्होंने महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। मुझे उसी दिन पता लग गया था कि विनय जीत जाएगा। जिसके साथ मातृशक्ति है उसको कोई हरा नहीं सकता। मैंने आपके यहां से जाते ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने महिलाओं को कहा, भाई आप क्या कर रहे हैं, आप भी लगो जैसे रेणुका जी की महिलाएं लगी हैं विनय को जिताने के लिए। फिर वो भी लगी नहीं साल भर सारी, उन लोगों ने भी आपकी तरह सम्मेलन किए। तो जिसके साथ आपका साथ होगा उनको कोई हरा नहीं सकता। और विकास के लिए ये हमेशा से समर्पित रहे हैं। अभी मैं अखबारों में देख रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं, आज की अखबार में ही उन्होंने कहा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से अपनी ग्रंथियां पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमारे सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता होना चाहिए, उनका ठीकरा तो अभी 6 महीने पहले प्रदेश की जनता ने फोड़ा है। उनको सत्ता से जो है अभी तो बाहर हुए हैं। और सबसे बड़ा मसला था, हमने कहा था कर्मचारियों को पेंशन देंगे, और ये 2003 में बंद हो गई थी, 20 साल बंद रही। अब हमने प्रदेश के 1,70,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया, पेंशन का अधिकार दिया। और जब तक वो जिंदा है, जब तक वो इस जमीन पे हैं, इस संसार में हैं, उनको जो है अपना जीवन रिटायरमेंट के बाद भी जो है उनकी जेब में पैसे आए, वो हमने काम कर दिया। और ये कोई छोटा काम नहीं था, पहले 6 महीने के अंदर इतना बड़ा काम हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है कि इन्होंने कर्मचारियों को पैसे दे दिए, अब उनको लगता है कि इन्होंने महिलाओं को भी 1500 रुपया दे देना। और वो हमारा वायदा है, हमारा राजधर्म है, जो हमने आपसे वायदा किया है वो हमारा राजधर्म है। चुनाव जीतने के लिए जो हमने वायदे किए हैं, जो 10 गारंटियां दी हैं, हमने उसको पूरा करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल के नेता हैं, बार बार दिल्ली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको किसी भी ढंग से पैसा ना दो, जो टैक्सों में हमारा हिस्सा है उसको रोक लो, जो हमारा पैसा दिल्ली में पड़ा है उसको रोक लो। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि हम ना, हमारा फैसला है, हमारी गलतियां जो भी हैं, चाहे वो कर्मचारियों के साथ थी, चाहे महिलाओं के साथ है, सब पूरी करेंगे हम, एक एक करके आपके सामने पूरी होगी। अभी हमने ट्रक वालों को कहा था, जितने भी ट्रक हैं, 2 लाख गाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, हमने उनसे ये वायदा किया था कि हम आपके जो है, जो आपका टैक्स है, जो आपने दिया नहीं है, उस पे जो पेनल्टी है और उस पे जो ब्याज है, वो सब हम माफ कर देंगे। और हमने माफ कर दिया, वो सारा हमारी सरकार ने जो है माफ कर दिया। तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी यहां पे एसएमसी के टीचर हमें मिल रहे थे और हमने उनका भी 2,000 रुपया बढ़ाया। अब वो कह रहे कि हमें पक्का करो, हमने उनको कहा हुआ कि हम पक्का करेंगे, थोड़ा बेसब्री मत करो, ये सरकार आपको पक्का करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका मामला जो है एक एक करके हम उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बहकावे में मत आओ। भाजपा की लुटिया डूब चुकी है, अब स्वाय बहकाने के इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ, प्रदेश में कुछ नहीं बचा हुआ है।
हमने लगातार 3 चुनाव जीते हैं। पहले जब इनकी सरकार थी तो रानी प्रतिभा सिंह जीती और साथ में हमने 3 विधानसभा की सीटें जीती। फिर उसके बाद हमने 40 सीटें जीती। अभी हमने शिमला नगर निगम का चुनाव जीता। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है। हमने 4 चुनाव जीतने हैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आपने हमारा साथ देना है। यहाँ पे आपने विनय जी का साथ देना है। बहुत वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के। और अभी इन्होंने कुछ मसले यहाँ पे रखे। एक तो ये चूड़धार के लिए जो है रोपवे लगाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिल के आया। इस रोपवे की हमने बात किया और ये हमारी प्राथमिकता सूची में शामिल है। जो हमने पहले 5 रोपवे दिए हैं उसमें हमने ये रोपवे भी दिया है। अभी हमारा शिमला का रोपवे सेंक्शन हो गया है। 1600 करोड़ रुपया लगेगा। शिमला में पूरे शिमला के ऊपर रोपवे चलेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। 15 स्टेशन शिमला में बनेंगे। वैसे ही आपके जो है इस रोपवे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। और जो हमने शुरुआती दौर में जो चयन किया है उसमें ये रोपवे शामिल है। और जहां तक पानी का सवाल है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी पर 200 करोड़ रुपए खर्चने जा रहे हैं। 200 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं है। जिनमें जो है 150 करोड़ तो पीने के पानी पे खर्च रहे हैं। छपुंजा स्कीमें उससे बढ़ेंगी। और जो सिंचाई है, आने वाले समय में हम सिंचाई पे बहुत फोकस कर रहे हैं और 30 करोड़ रुपए के आसपास हम सिंचाई पे इस हल्के में खर्चने जा रहे हैं और 18 करोड़ रुपए हम यहाँ सिवरेज पे खर्चने जा रहे हैं। तो 200 करोड़ रुपए के आसपास की राशि अकेला एक विभाग, जल शक्ति विभाग जो है यहाँ पे खर्चने जा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, विनय जी का जो भी हुक्म है वो हमारे लिए कानून है। जो भी ये कहेंगे हम उसको हर हालत में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी जहां भी ये। और आपसे भी मैं ये कहता हूं, आप इतनी संख्या में बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, आपको लगता है आपका नलका लगना है, 2 किलोमीटर लगना है, 4 किलोमीटर लगना है, जंगल में लगना है, घर में लगना है, कहीं लगना है, आप हमें बताएं, हम आपके साथ हर जगह लगाएंगे। आप तो देख रहे हैं कि यहां कितनी पाइप पड़ी है, ये सारी आपके लिए, ये सारी आपके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए है। बेधड़क पार्टियां छोड़ दो, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप, बाप, सब छोड़ दो, सिर्फ विनय। जो मर्जी करवाओ आप, जो आप करवाना चाहते हैं, कहां कहां पानी ले जाना है, किधर चढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, हम हर जगह जो है आपके लिए समर्पित है और हम करेंगे। और मेरे विभाग के अफसर यहां बैठे हैं, तो चीफ इंजीनियर भी आई है, वो भी महिला है, हमारी चीफ इंजीनियर भी महिला है, हमारे एसपी भी यहां पे है। जो आप कहेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। रोपवे का मैंने आपको बता दिया। तीसरा, इन्होंने कहा कि कुछ बसें चलानी है। मेरे विभाग तो इनके अपने विभाग है, जिधर को भी चलानी है चला लो। ये हिमाचल पथ परिवहन निगम का फ्लीट जो है, जिधर को भी आप कहेंगे मोड़ना मोड़ देंगे, हमें क्या। बसें जो है, इन्होंने अभी रास्ते में भी कहा कि डॉक्टर परमार का जो गांव है वहां बस जाने से बंद कर दी। अगर बंद की है गलत बात है। डॉक्टर परमार जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, उनके गांव को बस बंद हो जाए जो ठक्कर में लगी थी, ये कोई सही बात नहीं। वो तो नफे में है या नुकसान में है। अभी आपके यहाँ भी देखो ये बोर्ड लगा हुआ प्रजामंडल के समय का। आप वो लोग हैं जो प्रजामंडल के में भी जिन्होंने जो है योगदान दिया है। तो हम तो आपके आगे जो है आपको नमन करते हैं, आपको सलाम करते हैं। डॉक्टर परमार के आप लोग हैं, विनय कुमार के आप लोग हैं, और वीरभद्र सिंह जी ने भी आपके इस हल्के में रंग भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मौजूदा सरकार भी, जिन्होंने अभी कहा मेरे 3 बस अड्डे हैं, मैं इनको मना रहा था कि कोई एक बता दो तो मैं सेंक्शन करूं, तो ये अड़े हुए हैं, तो मैं इनसे बाद में जाके बात करता हूं। ये चाह नहीं रहे होंगे कि रैली में अनाउंस करूं, तो इसलिए जो है 3 इकट्ठे बता रहे हैं। लेकिन
एक एक करके बनेगा। जो ये सबसे पहले कहेंगे उसको सबसे पहले बनाएंगे। तो जो भी कांग्रेस कमेटी फैसला करेगी, दुपिंदर जी करेंगे, चौहान जी बैठे, ये सब लोग आपस में बैठ के फैसला करें, हम बनाएंगे। यहाँ पे बस सत्ता होना चाहिए। और ये पहले मैं जहाँ पे रुका था वहां उन्होंने कहा कि आपके विभाग की जमीन है, वहां पे बस अड्डा बनना। हमारी जमीन तो आप किया बना लो, वहां पे जहाँ पे बनाना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज का जो ये दिन है बहुत ही पुण्य दिवस है, पर्यावरण दिवस भी है। हमें पानी बचाना है। हमने जो आपको आज मैसेज दिया, आदत बनाए, बूंद बूंद बचाए, जितना बचा सकते हो बचा लो। कहीं नलका खुला देखते बंद कर दो, कहीं चले चले के दिमाग में आ जाए कि और ये फजूल में जला हुआ बंद कर लेते हैं। शायद आज का संदेश आपके दिमाग में बैठ जाए कि पानी दे तो रहे हैं, तो अगर बचाया भी जा सके तो आपके काम आएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसियां 50-50-60% पे पहुंच चुकी है, इतना पानी निकाल चुके हैं। अंदर डालना पड़ेगा पानी, चार्ज करना पड़ेगा अगर आपको पीने का पानी आने वाले टाइम में लेना। सिर्फ 1% पानी है पूरे संसार में पीने का, बाकी पीने का पानी नहीं है। इसलिए पीने का पानी आपको हम उपलब्ध करवा सके। और सबसे ज्यादा उस पीने का पानी का जो जरूरत है वो किचन में आपको है, आप महिलाओं को जरूरत है। हम आपके किचन तक, आपके वॉशरूम तक, टॉयलेट्स तक, जहां भी आप कहेंगे हम आपको पानी मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। कोई कमी नहीं है, आप खुल के बोलो, दिल से बोलो, जितना पानी चाहिए उतना हम देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाने की भी कोशिश करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।